कोटा में कांग्रेस की गारंटी यात्रा के दूसरे चरण का आगाज करने से पहले जयपुर में सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह के राजस्थान के रण में एंट्री लेने को लेकर बीजेपी पर भी जमकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है। महंगे राशि वो लागू हो गई, इतने लोगों को विश्वास है कि जो कहते हैं करते हैं, तो ये जो 7 गारंटी हैं इसका भी बड़ा प्रभाव है। अभी तक 40 लाख लोगों ने मिस कॉल दे दी है, तो इसका मतलब कि लोगों में उत्साह है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में घर घर तक गारंटी पहुँच जाएगी। PM भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, सब नेता आएंगे और भड़काने वाले काम करेंगे। हम उनको चैलेंज देते हैं, आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य सरकार जो है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है 5 साल तक, जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर बोलो, आप आलोचना करो अगर आपको कमी लगती हो तो। हमने जो विकास किए हैं उस पर अगर आप कुछ कहना तो कहिए, हम तो विकास के आधार पर चुनाव वोट मांग रहे हैं। हम जो फैसले किए हैं आम लोगों के लिए उसके आधार पर हम वोट मांगने की बात कर रहे हैं। हमने जो कानून बनाया है असेंबली के अंदर उसके आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे इश्यू है विकास है, वो गवर्नेंस राजस्थान की, उसी कार्य तो वो करते नहीं हैं और वो अपना पुराना एजेंडा है धर्म के नाम पर वो थोपना जाता राजस्थान पर, इसलिए ऐसे अल्पाज निकालते हैं कुछ और लोग भड़के। तो ये अच्छी परंपरा नहीं, उनको चाहिए। हमारा चैलेंज है उन लोगों को, आइए आप और इस पर बहस कीजिए। वजह इसके कि आप नौजवान पीढ़ी को भी धर्म जाति के नाम पर उलझा रहे हो, ये देश हित